سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا وطعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال. اللهم إنا نعوذ بك من وحثاء السفر وكآبة المنزل وسوء القلب. आज की हमारी इस ज़ियारत में सबसे पहले हम मस्जिद कुबा जाएंगे इंशाअल्लाह। तो सारे वालियत कीजिएगा मस्जिद कुबा की ज़ियारत की। वहाँ जाकर दो रकात पढ़ने के मुताल्लिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्रे के बराबर सवाब है। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आगे मस्जिद के जो जगह हैं वहाँ पर भी जाएंगे। मस्जिद क़िबला तैन करना होगा। आवाज़ साफ है पीछे भी? आवाज़ आ रही है। कमी जायद तो नहीं है? ज्यादा या मुनासिब है? ठीक है, थोड़ा सा लोड करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुख्तसरन खाका नक्शा पेश करते हैं। आप अलैहिस्सलाम मक्का के रिहायशी थे, मक्का में पैदा हुए और दूध पिलाने के लिए आपको ताइफ के देहातों में ले जाया गया अरब के रिवाज के मुताबिक। और सय्यदा हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने दूध पिलाई। और सीरत की किताबों में आते हैं कि 4 साल तक उनके खानदान में रहे बनू साद बिन बकर। और 4 साल की उम्र को पहुंचे तो आपको मक्का वापस कर दिया। फिर उसके बाद आपकी परवरिश, आपकी जवानी मक्का के अंदर गुजरी, नबूवत और रिसालत की जिम्मेदारी मिली और इस्लाम की दावत शुरू हुई मक्का से। तो अहले मक्का में से बहुत कम लोगों ने ईमान लाया, जिन्होंने ईमान लाया उनको अहले मक्का ने बहुत ज़्यादा अज़ियतें और तकालीफ पहुँचाई। तो शुरू में बाद सहाबा इकराम उन तकालीफ और मुश्किलात से बचने के लिए हबशा की तरफ हिजरत करके हबशा तशरीफ लेके गए। हिजरत करके हबशा इस वक्त का इथोपिया सूडान सुमाल का एरिया है, जो मक्का और जिद्दा से समंदर के रास्ते वहाँ पहुँच जाते थे। लेकिन अहले मक्का की अजियतें बरकरार रहीं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बाहर के लोगों को दावत देने का सिलसिला शुरू किया और उसी सिलसिले में आप शहर ताइफ तशरीफ ले गए, अहले ताइफ को इस्लाम की दावत दी। तो अहले ताइफ के सरदारों ने, अवाम ने, अवबाश लड़कों ने आपको और ज़्यादा अजियतें पहुँचाई, पत्थर मारे, लहू लहान कर दिया। तो आप अलैहिस्सलाम दोबारा मक्का वापस आए। आपके हौसले नहीं टूटे। मक्का के अंदर फिर जो बाहर से लोग आते थे उनको इस्लाम की दावत देना शुरू किया। बाहर नजद से, यहाँ यसरिब से लोग जाते थे मक्का हज के लिए, उम्रे के लिए और मेलों में शिरकत के लिए। तो उनके खीमों में, उनके रिहाइश गाहों में जा जाकर इस्लाम की दावत देना शुरू की। तो उसी दौरान आपका राबिता अहले मदीना के कुछ लोगों से हुआ और उन्होंने आप पर ईमान लाया। और मक्का के अंदर मदीना वालों से मुसलसल 2-3 साल खुफिया मुलाकातें रही हज के मौसम में। और उसी दौरान अहले मदीना के मुतालिबे पर सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु को इस्लाम का पहला दाई, मुबल्लिग, मुदर्रिस बनाकर यहाँ मदीना रवाना किया। और मदीना में आकर सैयदना मुसअब रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम की दावत फैलाने की कोशिश की। औस और खजरज के हर घर में इस्लाम की दावत पहुंचाने की कोशिश की। औस और खजरज कबीले के बड़े बड़े सरदारों ने इस्लाम कबूल किया। फिर उसके बाद साथ ही सहाबा किराम की हिजरतों का सिलसिला शुरू हुआ और आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत करके यहाँ तशरीफ लाए। और जिस वक़्त आप हिजरत के लिए निकल रहे थे उस वक़्त आपने सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने बिस्तर मुबारक पर छोड़ा और उनको अमानतें दी। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपके
साथ सफर हिजरत में साथ लेके आए हैं। तो हिजरत के जो वाक़ है वो बहुत तफसीली है। तो 53 साल की उम्र को पहुंचे थे या 53 साल मुकम्मल हुए थे जिस वक्त आपने मक्का को छोड़कर मदीना तशरीफ लाए। और जब मदीना पहुंचे तो सबसे पहले आपका इस्तकबाल कुबा वाली जगह पे या कुबा बस्ती में आपका इस्तकबाल हुआ और यहाँ पे चंद दिन ठहरे रहे। फिर उसके बाद आप मदीना में तशरीफ ले गए सेंटर मदीना की तरफ। तो मदीना में आप 10 साल रहे, 63 साल की उम्र में आपकी वफात हुई। और मदीने की जो 10 साल ज़िंदगी थी वो मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी था, बड़ी बड़ी जंगें हुई। और 63 साल की उम्र में आपकी वफात हुई। और मदीने की 10 सालों के अंदर इस्लाम पूरे जज़ीरतुल अरब में फैला। तो ये था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुख्तसर खाका नक्शा। अभी जिस इलाके से हम गुजर रहे हैं ये बनू नज़ीर का इलाका था। ये आपके हमारे सामने जो बागात है आदाएँ बाएँ देख लीजिएगा। तो जब प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो मदीना के अंदर यहूदियों के 3 अकवाम बसते थे, बनू नज़ीर, बनू कुरैज़ा, बनू कैनुका। तो बनू नज़ीर सबसे ताकतवर कौम थी, उन्होंने सबसे अच्छी जगह पर ऊपर वाली ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ था। ये पूरा इलाका बनू नज़ीर का था। तो इन तमाम अकवाम के साथ प्यारे पैगंबर ने मुआहिदा लिखी थी जिसे मीसाक़ मदीना के नाम से मारूफ है। तो उसमें ये शिर्क था कि जो भी मदीना पे हमला करें हम मिलकर दिफा करेंगे। लेकिन यहूदियों ने प्यारे पैगंबर के साथ अहद की पासदारी नहीं की, गदर किया, धोखा की। और बनू नज़ीर ने खासकर प्यारे पैगंबर को 2 मरतबा कत्ल करने की, शहीद करने की साजिश कोशिश की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनू नज़ीर को जंग उहद के बाद यहाँ से जलावतन किया मदीने के शमाल की तरफ, खैबर फिदक तीमा की तरफ। तो बनू नज़ीर के माल को अल्लाह तबारक व तआला ने मालिफ़े करार दी, जो कि लड़ाई के बगैर हासिल हुआ। और जो इस्लामी फ़ौज को लड़ने के बाद जो हासिल हो जाता है उसको माल गनीमत कहा जाता है। तो बनू नज़ीर के माल और बनू नज़ीर के मुतालिक सूरह हश्र में अल्लाह तबारक व तआला ने आयतें नाज़िल फरमाई हैं, तो आप लोग ज़रूर मुताला कीजिएगा। अभी हम मस्जिद कुबा के करीब पहुँचे हैं। मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है। जब प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मरतबा हिजरत करके यहाँ तशरीफ लाए तो सनतर मदीना में दाखिल होने से पहले, मस्जिद नबवी की तामीर से पहले आपने मस्जिद कुबा की तामीर की थी। तो इसीलिए इस्लाम की पहली मस्जिद कहा जाता है। और मदीना में सेटल होने के बाद भी प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा की बार बार ज़्यारत के लिए तशरीफ ले आते थे। अहदीस मुबारका में आते हैं कि आप हफ्ते के दिन कभी पैदल कभी सवारी पे तशरीफ ले जाते हैं। और मस्जिद की भी ज़्यारत हो जाती और अहले कुबा की भी ज़्यारत हो जाती है। और इसी तरह मस्जिद कुबा की ज़्यारत की फजीलत में आपने फरमाया कि मन तत्वहर भी गई थी तो माता मस्जिद कुबा फसल लफी ही सनातन फकान लहू काजर उमरा, कि जो शख्स अपने घर से रिहाइश से वजू करें और मस्जिद कुबा आकर नमाज पढ़ें तो उसके लिए पूरा एक उम्र का सवाब है। और दूसरी एक हदीस में घर से वजू का जिक्र नहीं है बल्कि मुतलक नमाज का जिक्र है कि मस्जिद कुबा के अंदर एक नमाज का सवाब उम्र के बराबर है। तो उलमाए किराम ने इन दोनों हदीस को मद्देनजर रखते हुए फरमाते हैं कि वजू करके आ जाए तो ज्यादा बेहतर है, अफजल है रिहाइश से घर से। अगर वजू का मौका न मिले तो कम अज़ कम एहतमाम के साथ नियत करके आना चाहिए, तो उनके लिए उम्र के बराबर सवाब है जब भी आ जाए, कितनी बार भी आ जाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में भी मस्जिद कुबा और अहले कुबा की तारीफ बयान की है। जब मुनाफिकीन ने एक मस्जिद बनाई थी मस्जिद ज़िरार के नाम से मारूफ हुआ, जो कि मस्जिद कुबा के आसपास थे और प्यारे पैगंबर के आखिरी सालों में थे जंग तबुक के आसपास, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मस्जिद को मुनहदिम करने का हुक्म दी और वहाँ जाने से रोका प्यारे पैगंबर को। और साथ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जिद कुबा में बार बार जाने की तरगीब दिलाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक्वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीह, कि वो मस्जिद जिसकी बुनियाद शुरू दिन से तक्वा ईमान और इखलास पर रखी है उस मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना ज़्यादा लायक है, ज़्यादा बेहतर है। और साथ ही मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ने वाले जो सहाबा किराम थे, सहाबा इकराम की तारीफ बयान।
want to go back. अस्सलाम वालेकुम हाजी। जी यहाँ पे मुख्तसरन दो मिनट इंशाल्लाह मस्जिद कुबा के आसपास जो तारीखी मकाम है उसके हवाले से मैं बात करूँगा। इधर आ जाए, आगे आ जाए। ये मस्जिद है तो उसके मुताबिक मैंने बस की थोड़ी बहुत बात की, बात जो समझ में आए हो तो बस को दोबारा आप पूछ सकते हैं। तो ये मदीने के जुनूब में वाक़ है, सामने आप देख सकते हैं वो पहाड़, वो पहाड़ है सामने, वो वहाँ से आखिर में वहाँ पे वो शमाल की तरफ है, वो जुनूब की तरफ। और इस पहाड़ को जबल ईर बोलते हैं, ईर पहाड़। ये सामने आपने फरमाया कि मक्का को हरमत वाली शेर करा के हमारे प्यार जाने में मदीना को, तो आ जाए थोड़ी थोड़ी आ जाए। तो इस हदीस में जो जिक्र है बहुत पहाड़ी के बेस साइड में, छोटी कोई पहाड़ी वो मुराद है, वो बहुत तमाम हदूद हरम के अंदर जा सकते हैं। और तीनों की तरफ ये पहाड़ हमने बेल 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 तो
अंगूठी की रीति हजरत उस्मान से लगी, पास हसन की अंगूठी थी। आपके बाद हजरत अबू के नजदीक के पास उमर के पास हजरत उस्मान से अंगूठी की रीति किसी कुएं में। तीन दिन तक तलाश करते रहे, फिर नहीं मिला वो अंगूठी। इसलिए इस बेट को भी खातम भी कहते हैं, लेकिन अभी पानी वगैरह नहीं है। ये जो बोर्ड लगाया वो लोग यहाँ पे देते हैं। जब आपकी खिलाफत थी, आपकी खिलाफत के छः साल थे। और दूसरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सहाबी के घर में रहते, एक का नाम था सात दिन फैसला और दूसरे का नाम नाजी। ये हम मस्जिद कुबा का अंदरूनी मनाजर हैं। यह आप देख सकते हैं इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है, और ऊपर से रोशनी का जो है ये भी बंदोबस्त है। अंदर एसी लगे हुए हैं और बड़ा खूबसूरत। ये आका दो जहां सरवर कायनात ने इस मस्जिद को बिल्ड करने में अपना खुद काम किया है, और ये बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। और यहाँ इंटर होने से पहले आप बड़ी खुशबू आती है, और ये बड़ा खूबसूरत इलाका है। माशाल्लाह हाजी, और हमारे दाएं तरफ के ऊपर एक मस्जिद भी है, मस्जिद अब्दुल्ला के नाम से, जहाँ पे जहाँ से प्यारे पैगंबर ने ज़ेरा वगैरह पहना था, फौज का नजरसानी की थी रुकू की तरफ जाते हुए, और जंग के नाम ने यहाँ से ज़ेरा वगैरह पहन लिया था। इस इलाके को अशोक भी बोलते हैं, मंदिर का अशोक। और हय्य मुस्तराह भी कहते हैं, शायद वापसी पर भी आपने यहाँ पे इस्तराहा फरमाए थे, जंग से वापसी पर आराम फरमाए थे, इसलिए पूरे मोहल्ले को हय्य मुस्तराह कहते हैं, मुस्तराह वाले महल्ला। हमारे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे मस्जिद नबी है, आपके दाएं तरफ अभी नजर आएगा। तो जंगे उहुद का जो मेन सबब था, कुफारे कुरैश का बदर का बदला लेना था। जंगे बदर सन 2 हिजरी रमजान में वाकई हुई है, और जंगे उहुद सन 3 हिजरी शव्वाल में वाकई हुई है, यानी ठीक एक साल के बाद। तो बदर का मकाम यहाँ से दूर है, मदीना के मगरबी साइड में, बसों के अंदर 2 घंटे का सफर है। आजकल वहाँ पे पूरा शहर आबाद है। तो बदर, जंग बदर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को तसव्वुर से ज़्यादा फतह अता की थी। कुफारे कुरैश के 70 मारे गए, 70 कैदी हुए। तो कुरैश वालों ने मुकम्मल तैयारी की एक साल के बाद मुसलमानों से लड़ने के लिए, और अबू सुफियान की क़ियादत में 3,000 का फौज असलहा से लेस होकर आए। और प्यारे पैगंबर को जब खबर हुई तो आपने फिर सहाबाई के नाम से मशवरा की कि क्या करें, मदीना से निकल कर लड़ें या मदीना में रहें। तो वो सहाबाई के नाम जिनको बदर में जाने का मौका नहीं मिला था, उन्होंने इसरार किया, रसूल अल्लाह हम मैदान में निकल कर लड़ेंगे ताकि हमें भी वो फजीलत हासिल हो जो फजीलत अहले बदर को हासिल होती। और इसी तरह मदीना के बाशिंदे
अंसारी सहाबा इकराम ने भी प्यारे पैगंबर से फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हम दौर जाहिलियत में भी गली कोचों के अंदर हम जंगी लड़ते, मैदान के अंदर लड़ने की आदत है, तो अब तो इस्लाम है, हम मैदान में ही जाकर लड़ेंगे। तो प्यारे पैगंबर ने फरमाया फिर ठीक है, लेकिन आपका राय यह था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हम मदीना के अंदर रहेंगे, जो मदीना में दाखिल होने की कोशिश करें हम उन पर वार करेंगे, बाकी जितने दिन वो बाहर ठहरे रहें उतने ही उनको नुकसान है, ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगे तो खुद को खुद चले जाएंगे। तो बाहर निकलने का फैसला हुआ, जुमा के दिन थे, जुमा के बाद भी आपने वाज़ो नसीहत की, अज़र असर के बाद भी वाज़ो नसीहत की, फिर फौज को लेकर बहुत की तरफ पड़े। आपके साथ मदीना से निकलते हुए 1000 अफराद थे, और इसी एरिया में जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि मुस्तरा और अशोक वगैरह में पहुँच कर आपने रात गुजारी, तो वहाँ से 300 अफराद मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन उबै बिन सलूल ने बरगला का वापस लेके लिया, और बाकी 700 अफराद रह गए, उसी 700 को लेकर आप मैदान में तशरीफ लाए। तो बाकी बातें वहाँ भी इच्छा था, नहीं पढ़े लिखे जो खासकर मुसक्कब यानी दीनी शरई उलूम तो नहीं पढ़ा हुआ, उधर लेके चलो, उधर अच्छा उधर अच्छा रहता है, उधर मरूर मना करता है, मुझे हाजिम को लेके जाने में वो अच्छा लगता है, इधर से उस तरफ चले जाते। तो जो मतलब दीनी मदारिस में नहीं पढ़े लेकिन वो असली तालीम से पढ़े लेकिन दीनी मालूम रखते हैं, जी और कोई सवाल? हाँ मतलब सुबह या शाम टाइम पे आराम से आप लोग आ जाए, क्योंकि बस यहाँ पे पार्किंग था, पार्किंग अभी बन रहे हैं, इधर रुकने नहीं देते, ये पार्किंग अभी बन रहा है, वो मेरे ख्याल से बात की है। जी जी, बल्कि ये पहाड़ी पे भी आप चढ़ सकते हैं, अभी खुला आजादी है। से जो बकिया बातें हैं वो मुख्तसरन ये हैं कि जंग तकरीबन एक महीना जारी रही थी, और प्यारे पैगंबर ने एक मुनज़्ज़म अंदाज में इस जंग को लड़े, मुसलमान ख़वातीन और बच्चों को मदीने के अंदर एक दो किलों में जमा किए, और दो दस्ते पूरे मदीने की गश्त करते रहते थे, सहाबा इकराम का दो दस्ता जो गश्ती पार्टी होता है हमारी फौज वगैरह में भी, और बकिया जो सहाबा थे वो यहाँ पे मोर्चा संभालते, जो खंदक पार करके आने की कोशिश करते उन पर तीर बरसाते थे, कुरैश के पास लोग आए थे, तो उनमें एक अमर बिन अब्दूद का नाम मारूफ था, कुरैश के पहलवान था, तो वो अशार पढ़ता हुआ मैदान में आए, तो इस तरफ से हज़रत सईद अली रज़ी अल्लाह तआला ने नीचे उतरे और उन्होंने उनका मुकाबला किया, और हज़रत अली ने उन्हें पर वार करके कत्ल किया। इसी तरह नौफल अल मखज़ूमी के नाम से एक आता है, वो भी मैदान में उतरे थे, उतरा था कुरैश का था, तो इस तरफ से सईदना ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला ने जो कि प्यारे पैगंबर के फूफी के बेटे थे सईदा सफ़िया के, तो वो नीचे उतरे और उन्होंने वार किया, उन पर उनके साथ मुकाबला हुआ और हज़रत ज़ुबैर ने उनको कत्ल किया। तो ये एक आसाबी जंग थी, बड़े मार्का तो नहीं हुआ,
लेकिन पूरा महीना मदीने का मुहासरा जारी रहा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सख्त वक्त पेश आया। यहाँ तक कि बाज़ रिवायतों में आते हैं आपने कुरैश के साथ जो दूसरा पार्टी आया था बनू अफ़ान वगैरह उनके साथ सुलह के साथ सुलह के लिए भी आप मशवरा किया, लेकिन अंसारियों ने मना फरमाया कि हम सुलह नहीं करेंगे। तो जब दुश्मन यहाँ से चले गए तो प्यारे मोहम्मद ने फरमाया कि अलान नग़ज़ूहुम वला यग़ज़ूना, कि अब हम उनसे लड़ेंगे, ये लोग हमसे लड़ने के काबिल नहीं होंगे। तो इसके बाद जो प्यारे पैगंबर ने जंगें लड़ी है, जंग खैबर, फतह मक्का, हुनैन, ताइफ, तबूक वगैरह, वो सब मदीना से निकल कर लड़े बड़े लश्कर। उसके बाद मदीने पे कोई बड़ी लश्कर या फौज की हमला नहीं हुआ। और इसके मुताला सूरह अहज़ाब में आए थे और इसमें 6-8 सहाबा शहीद हुए। एक सहाबी बहुत बड़े जलील मुख़्तर सहाबी थे, हज़रत सईदना साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो इसी में ज़ख्मी हुए, बाद में शहीद हुए। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मौत के मुताले फरमाया कि सईदना साद के जनाजे में 70,000 फरिश्ते शहीद हुए और उनकी मौत की वजह से अल्लाह के आसमानों के अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों के दरवाज़े खोले। तो बहुत जलील मुक़द्दर सहाबी थे और मदीने के सरदारों में एक सरदार था। अभी हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह उनके मुताबिक, वहाँ पे ही बात करूँगा और वहाँ पे ही बात करने में आपको समझने में आसानी होगी इंशाल्लाह। ये जबले होते हैं, ये आपके सामने जो पहाड़ी है ना बाएं तरफ लेफ्ट साइड, ये जबले होते हैं।